Hello everyone, welcome to Let's Crack PSC CLC. This is me, Gaurav Shukla, and I welcome to all of you on India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack it. Guys, जो आज का सेशन है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड ऑन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें गाइज मैंने बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेवल बनाया है. वन लेवल है जो कि आपको एटलीस्ट सारे बेसिक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है या क्या उसकी स्पेशलिटी है वो आपको जानना जरूरी है. फिर आपका जो आई थिंक आवाज, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, ओके गाइस. सो आपका ये जो लेवल है, एक लेवल है जिसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. और आपका जो सेकेंड लेवल है उसमें क्या है कि थोड़े जो करंट से अपग्रेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस होने चाहिए. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत आप लोगों ने एक्सरसाइज भी की होगी. जो मेन पर्पज है, मोटो है, जो काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला, अल्टीमेटली पर्पज इस टॉपिक का यही है कि आपको बहुत से नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और डिफरेंट नेशनल पार्क हैं, वो आपको याद नहीं होता. मेरी कोशिश है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप एमसीक्यू की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा. हेलो. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ एक और बेनिफिट आपको है कि अगर आप वो करेंट्स के ओरिएंटेड अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो करेंट ओरिएंटेड भी आपको बेनिफिट इससे मिलेगा. तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट चल रहा है कंप्लीट एनवायरनमेंट है. एक तो 2021 सारे स्टूडेंट्स उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो है ये कोर्स पूरा. जो 2020 है अभी उनका काफी दूर है प्रीलिम्स एग्जाम, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है. तो आई होप सो जो क्वेश्चंस होंगे आई विल गिव फ्यू सेकेंड्स, फ्यू ऑलमोस्ट 30 सेकेंड, सो दैट आप थोड़ा सा थिंक करो, फिर मैं उस पर फटाफट उस पर आंसर डिस्कस करेंगे. और होप कि आपको ये चीज थोड़ी सी याद होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ. राइट. अब आपका अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एनीथिंग. आपका सब्सक्रिप्शन से लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपका सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी लेक्चर्स चल रहा है, जो भी इस सीरीज के टॉपिक चल रहे हैं. साथ में ये मेरा चैनल है जी शुक्ला 10, ये लिंक है t.me/shukla10, यहाँ पर भी आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा. तो प्लीज ज्वाइन इट, और ये जो सीरीज है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए. आप उन लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी 10 लॉन्च किया है, जो 10 मिनट्स में आपको क्रिस्प कंसाइज एंड टू द पॉइंट. गाइस ध्यान रखना, क्रिप्स कंसाइज टू द पॉइंट्स. 10 मिनट्स में आप क्या लर्न कर सकते हो, 10 मिनट्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसका जो मेन कंसाइज पॉइंट्स होता है वो सारे के सारे आप लोग उसको स्टडी कर सकते हो. तो इस चैनल को आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस चैनल. अनदर पॉइंट्स है, अनअकैडमी ने जो ये 3 मेगा बैचेज स्टार्ट किया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड हु वांट टू गिव एग्जाम इन 2021. उसमें आपका जो गाइस ये बायलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी बैच कोर्स है, इंग्लिश बैच कोर्स है, 25th में से स्टार्ट हुआ है, अभी देर नहीं हुई है, आप लोग जुड़ सकते हैं. आप लोग डेफिनेटली यू हैव टू, आप क्योंकि ये सिलेबस है आपको एक दिन या दो चार दिन का नहीं, अगर यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको टाइम लगता है, इवन रिजल्ट आने में भी आपको मिनिमम एक साल का पूरा एक पूरी की पूरी साइकिल लग जाती है. तो आपको डेफिनेटली आप बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं. और यहाँ पर आपको फुल सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स मेंस मतलब फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे. आप लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऐप लेना चाहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बेनिफिट्स आ रहे हैं. अगर आप लोग स्पेशल क्लास लेते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा, इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू मोर एंड मोर इंटरेक्टिव, ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, आपको कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स टू द इंटरव्यू.
सो प्लीज प्लीज आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो आपकी अगर पेबल फी की बात करें तो वो भी इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू ऑफलाइन कोचिंग्स। 12 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन फी है जस्ट 40,000 है। अगर आप ये GSTN रेफरल कोड यूज करते हैं देन यू हैव टू गिव जस्ट 36,000। आपको केवल 36,000 पेमेंट करना होगा। फॉर 24 मंथ्स टोटल अमाउंट इज 48,000। जो भी स्टूडेंट 2021 2022 में देना चाहते हैं जिनके पास अभी वक्त है वो जरूर इसके बारे में ध्यान दें, जरूर इसके बारे में सोचें, क्योंकि 36,000 है अगर आप कोड यूज करेंगे। 36,000 वन ईयर का है। अगर आप 2 ईयर्स के लिए ये कोड यूज करेंगे GSTN कोड देन यू हैव टू गिव जस्ट 43,200। तो आपको केवल 43,200 देना पड़ेगा, तो इसके कंपेरिजन में काफी कम पेमेंट्स देना। आते हैं, शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये है, प्लीज आप लोग जरूर एक बार रिप्लाई कीजिएगा। मैं बहुत कम टाइम दूंगा, फटाफट क्वेश्चन आगे देखेंगे और कोशिश करूंगा जो लेवल है धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ पर आपके डिफरेंट जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, केवल सिविल सर्विसेज नहीं बल्कि मैंने ट्राई किया कि और जो स्टेट सर्विसेज है उनके भी क्वेश्चन आपके सामने लाओ। तो अटेम्प्ट कीजिए, गलत हो सही हो डोंट वरी। मेरा पर्पज है आपको इतने सारे नेशनल पार्क एटलीस्ट याद हो, और ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आप लोगों को सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, सारे बायोस्फीयर याद हो जाएंगे। तो जो भी हो 30 सेकेंड फटाफट। ओके, डी डी एनी अदर वन डी। ओके अमित, ओपे पढ़ना। ओके, ऑल ऑफ यू आर वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये मैंने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट लिख दिया है, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, दैट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। राइट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले तो आपका जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है वो आपका 1936 में एस्टेब्लिश है। कान्हा आपका एमपी में है वो 1955 में, और आपका लेटेस्ट आपका राजा जी जो कि नेशनल पार्क है, मतलब ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसमें मैं बात कर रहा हूँ 1983। बाद में तो और भी नेशनल पार्क आए। तो फटाफट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। यस यू आर राइट, राजा जी इन जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। A D C D C D ओके। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। जो आपका नगर होल फॉरेस्ट है, नगर होल की जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड राजीव गांधी नेशनल पार्क। नगर होल जो नेशनल पार्क है उसी का दूसरा नाम है आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क। काफी ये फेमस है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, 94 किलोमीटर है फ्रॉम द सिटी ऑफ मैसूर। नगर होल इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड पार्क ऑफ द इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कर्नाटका में है जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया। यस यस स्वप्न, यू आर वेरी राइट, राजीव गांधी एयरपोर्ट इन कर्नाटका। आप लोगों को लोकेशन तो मालूम ही होगी कि पेरियार कहां पर है, सेंचुरी पेरियार की लोकेशन आई थिंक ये ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। लेकिन ये काफी फेमस है इसलिए इसको गेम सेंचुरी भी बोली जाती है। राइट, ओके, डी 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 डी
क्या बात है, आप सब लोगों ने बहुत तेज हो यार, आप सब लोगों ने काफी करेक्ट बता रहे हो। यस यस यस, वाइल्ड वाइल्ड एलिफेंट्स है, इसको लेकर के समय समय पर न्यूज भी आती रहती है। तो इट इज लोकेटेड इन केरला एंड विच इज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स एलिफेंट्स। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब दिया, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर था। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, पेरियार डैम आल्सो इन केरला, यू आर वेरी राइट। स्टेप वाइज स्टेप सारे कवर करते चलेंगे, कुछ टफ भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी मिलेंगे, तो इजी क्वेश्चन से ताकि कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता रहे। बट आप लोगों ने अच्छा जवाब दे रहे हो, अच्छा आप लोग खेल रहे हो राइट नाउ। ओके, इसका आंसर, चलिए इसका आंसर बता देता हूं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, काफी लोग सी दे रहे हैं। इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम सी डी एम पी हम लोग देख लेते हैं। जो आपका बेटला जो नेशनल पार्क है, इट इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें एमपी और झारखंड, और फिर उसके बाद ये क्या था कि देन बिहार इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1986 एंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट टाइगर। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो झारखंड है उस पे लोकेटेड है, बट इसमें क्या है कि आपका उस ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि राइट नाउ अभी ये उस टाइम पे बिहार है, राइट नाउ झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रानी झांसी मेरीटाइम नेशनल पार्क। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा ईयर पे ज्यादा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है कि ये कहां पर है। तो एटलीस्ट ये पता हो कि रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क है, ये कहां पर लोकेटेड है। अगर आपको ये पता हो, ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड बीन इन एनी एग्जाम, तो मैंने ये क्वेश्चन वहां से उठा लिया। आपको लोकेशन पता होना चाहिए, बट फिर भी यू हैव टू गिव आंसर। जो प्रोजेक्ट है आप जो वो प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 है। इसका आंसर दीजिए, जो भी आपको ईयर समझ में आ रहा है वो दीजिए। मैं अभी आई थिंक काफी लोग आप जानते भी होंगे कि रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, चलो इसको फटाफट देख लेते हैं। यस यस यस, यू आर, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। ये आपका जो अल्टीमेट पर्पस ये बताना था कि ये कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड पे है, और ये तो टोटल एरिया इतना। इट वॉज फाउंडेड इन 1996। यस, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी करेक्ट, 1996 में स्टैब्लिश है। मेन आपको स्टैब्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली गाइस, ये जो क्वेश्चन है गाइस ना, एक बार आप लोग इसको जरूर क्रॉस कंफर्म जरूर कीजिएगा। आई थिंक दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। बट जो अभी रिसेंट का टाइगर सेंसस हुआ है उसको एक बार आप लोग जरूर माइंड में करिएगा। इसलिए जो आपका नेशनल पार्क जो लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नागार्जुन सागर है।
नागार्जुन सागर सी सेलम टाइगर रिजर्व है ऑफ आंध्रा, इट इज द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन द एरिया। जो ये क्या था 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर है आंध्र प्रदेश, और बाकी ये आपका है आपका तेलंगाना में। तो जो अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे आंध्र और तेलंगाना एक था, राइट नाउ ये डिवाइड हो गया है। तो थोड़ा सा अभी हमको एक अभी क्वेश्चन शायद आगे मिलेगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे एग्जैक्टली, बट राइट नाउ द क्वेश्चन जब वो आस्क किया था तो उसमें सी शलम टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश में। चलो ये क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है। यस यस यस, आप लोग सभी लोग ने बहुत अच्छे से आप लोग खेल रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया। जो एशियाटिक लायन है दैट इज गिर फॉरेस्ट। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है यू हैव टू नो, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में लोकेटेड है। और केवल इट इज फेमस फॉर हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस, और इसके अलावा ये चीतल भी, और यहाँ पर ये भी गिर नेशनल पार्क में मिलता है। राइट, कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस यू आर राइट। ओके विशाल बी, सौरभ बी, ओके 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 ओके, यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। जो बेसिकली क्या है ना, जो ये घाना एक्चुअली उन्होंने पूरा वर्ड नहीं दिया, ये है केवल केवल देव घाना नेशनल पार्क है, जिसको पहले हम लोग भारतपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता था। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है राजस्थान में, पहले बर्ड सेंचुरी बोला जाता था, अभी इसको कन्वर्ट करके नेशनल पार्क है। 366 बर्ड सेंचुरी और डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पीसीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लायन इज नॉट प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ दिस पार्क। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बायोस्फीयर साइट्स है, इसके बारे में आप लोगों को जवाब देना है। ओके गजन 3241, गजन ने आंसर दिया है 3241। ओके मयूर बी, सौरभ बी, शिखा बी, विलास सी, अपर्णा बी, ओके ओके ऑल राइट। तो गाइज आपको यहीं पर हम बता देते हैं, नॉकरेक है, नॉकरेक की बात कर लें तो इट इज लोकेटेड इन मेघालय। राइट,
मानस आपको मालूम ही होगा, फेमस है ये, आपका असम में है, दैट इज करेक्ट। देहांग देबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई की बात करते हैं तो ये केरला, बेसिकली ये वेस्टर्न घाट है, उस पोर्शन में आपका केरला रीजन में है। तो आंसर विल बी बी 3241, तो आपका 3241 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इट हैज बीन आस्क्ड इन आईएएस प्री 2017। सॉरी विशाल, यू आर राइट। मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। मैं पहले आपको क्या है ना कि जो भी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, एटलीस्ट आपको उसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। पहला काम है लोकेशन। जब आपको लोकेशन पता हो गई तो एटलीस्ट आपका दूसरा दिमाग तब फंक्शन में आएगा कि जब आपको कभी क्वेश्चन आपको यूनिक पूछते हैं, लोकेशन पता है तो आप थोड़ा सा फिर रिलेट कर सकते हैं कि वहां का ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है। है जैसे मेघालय में अगर कोई है तो वहां की क्या कंडीशन, वहां कौन सी पॉसिबिलिटी है, असम में है तो कौन सी रिवर हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट मेरा प्रयास है कि पहले आपको लोकेशंस पता हो। कुछ कुछ क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल पे हम उस लेवल पर भी पहुंचेंगे कि रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे, वो सारे लेवल उसको भी कवर करेंगे। फिर कुछ बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल करंट के होंगे, और वो करंट वाला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा चांसेस होगा आने के। तो 10 का भी यस, यू आर राइट। देखो एक मैंने टॉपिक जब मैंने टाइगर रिजर्व पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो टाइगर को सेंसस की बात है तो एम स्ट्राइप है, वो जितने भी स्ट्राइप्स होते हैं उनको, मतलब एक तरह से उनकी सेंसस करने के लिए होती है, उनका सेंसस करते हैं, टाइगर रिजर्व को मेंटेन करते हैं, राइट। तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। एम स्ट्राइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, यहां पर भी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एम स्ट्राइप्स मीन्स होता है मॉनिटरी सिस्टम ऑफ टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका मेन होता है कि पूरी की पूरी प्रोटोकॉल होती है, पेट्रोलिंग करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम, उन सबको, इसके साथ साथ उनको स्टोरेज और एक तरह से ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उस पर बेस होता है, कहां पर कोई टाइगर लोकेटेड है, कोई टाइगर का क्या करंट में कंडीशन चल रही है, कौन सी पोजीशन पे है, क्या है, सब पूरा का पूरा प्रोटोकॉल वो एम स्ट्राइप्स है उसके थ्रू होता है। फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो देने का मकसद यही होता है कि आप लोग, मुझे लगता है आप लोग ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, बहुत अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। अगस्त मलाई आपका केरला हो गया, कंचनजंगा आपका सिक्किम, राइट, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड है गाइस, और मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। तो ये आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी गोइंग टू करेक्ट। ओके, मैं वेटलैंड्स पे भी लूंगा, डोंट वरी। अब आते हैं थोड़ा सा, देखो अच्छे क्वेश्चंस भी बीच, अच्छे का मतलब कि थोड़ा सा हर एक लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन कभी एग्जाम में बहुत इजी आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन बहुत टफ आ जाते हैं। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, गाइस हमने आपको बताया कि टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 11 आपके हैं जो कि आपका मैब में है, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके तहत उनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली है, राइट। तो आपको 11ों की लोकेशन सब कुछ पता होना चाहिए, वो 11 कौन कौन से है, और आपका उसके अलावा एक और है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने हैं। तो गाइस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर लें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसमें आपके टोटल अगर नेशनल पार्क को भी मिला दे और बायोस्फीयर रिजर्व को भी मिला दे तो मोर आर लेस टोटल 7 है, राइट। राइट नाउ टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर इंडिया की बात कर लें तो 38 है, उसमें 7 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से यूनेस्को आपके नेटवर्क हैं। चलो इसमें वेरिएशन है, विशाल सी मैं भी
गजेंद्र सिंह, बिलास सिंह, ओके। चलिए इस पे क्या करते हैं, फटाफट जो 11 अंक एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर मैंने सारे 11 अंक का नोट है। 11 आपके हैं जो कि 18 बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं। यस, मतलब आपने करेक्ट बताया, सी आंसर होगा। जो 11 18 बायोस्फेयर रिजर्व है वो पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फेयर रिजर्व है। उसमें आपका नीलगिरी आ जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार आ जाता है, सुंदरबन आ जाता है, नंदा देवी आ जाता है, नाफ्रिक आ जाता है, पंचमढ़ी आ जाता है, सिमली पाल आ जाता है, ग्रेट निकोबार, अचन कुमार, अमरकंटक, अगस्त मलाय, बायोस्फेयर रिजर्व एंड कंचनजंगा। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं जो आपके 11 हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपका रन ऑफ कच्छ नहीं है, बाकी आपके ये सारे के सारे आपके इंक्लूडेड हैं इन द 11 जो आपका पार्ट है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये बताइए आप लोग। जो टॉप राइट कॉर्नर इनविजिबल हो रहा है मैं उसको पढ़ देता हूं, ठीक है। इसमें यहां पे तो विजिबल है, यहां पर विजिबल है, डोंट वरी, यहां पे दिक्कत होगी उसको मैं पढ़ दूंगा। डी सी, एक एक करके देख लेते हैं फटाफट लोकेशन। सबसे पहले हम दोनों लोग देखते हैं सिमलीपाल। तो सिमलीपाल इज लोकेटेड इन द उड़ीसा। तो ए का 4 देख लें तो सी और डी बचा, राइट। दिहान दिबांग की बात कर लें तो इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका बी का 3 हुआ, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा जो नॉकरेक है, नॉकरेक आपका हो गया मेघालय में, कोल्ड डिजर्ट आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, आपका डी होगा आंसर। ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिस टाइम पे पूछा था तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब बताइए इसका आंसर। ओके, डी ए, एनी अदर वन। आप लोग जो कुछ समझ में आ रहा है आप लोग एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए देने का। ओके ओके ओके, चलिए आप लोगों ने काफी सही आंसर बताया। 14 का ए होगा, गारो हिल्स है वो जो हम नाकरेक की बात करते हैं मेघालय, तो ये आपका ए आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लिखा हुआ है, नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, गारो हिल्स, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। और जो आपका अगस्त मलाई है ये आपका वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है, मतलब वेस्टर्न घाट पे स्प्रेड है। देहांग दिबांग ऊपर सियांग है, दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, एंड नंदा देवी आर स्प्रेड इन उत्तराखंड। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी जस्ट हो ही गया, तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ जाते हैं। नंदा देवी अगर पूछ लेगा किस स्टेट में है तो इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा नंदा देवी का। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को जो मैप प्रोग्राम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की तो इसमें कौन सा आता है ये आप लोग जवाब दे दीजिए।
16 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। हमने अभी जस्ट 11 का 11 जो मैप बताया है, 11 जो मैप में इंक्लूडेड है, तो गाइज इसमें आपका नंदा देवी है। यस, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, विच इट इज लोकेट, मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 7 है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फटाफट, उसको हम लोग बीच बीच में देखेंगे भी। नंदा देवी हो गया, फिर आपका इधर की साइड जाएंगे तो आपका मानस हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, आपका इधर जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, अभी आगे आएगा, उन सारों को हम लोग देखेंगे। यस यस, जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर पार्क है एंड जो वैली ऑफ फ्लावर है, तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर है, ये मिला करके ये पूरा का पूरा है जो कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। आई थिंक लिस्ट यहाँ पे नहीं दी हुई है, उस लिस्ट को भी हम लोग देख लेंगे, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ देम। इट इज लोकेटेड, इट इज फॉर्म इन 1988, इन 2005 इसमें वैली ऑफ फ्लावर को भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपने बिल्कुल सही बताया मयूख ने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली अभी जो सारे हैं पार्ट उसको हम लोग, मैं बता नहीं रहा हूँ सारे, क्योंकि वो अभी हम लोग क्वेश्चन फिर आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के रूप में रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलो इसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं, पहले तो इसका आंसर समझ लेते हैं क्या है। देखो जो नेशनल पार्क होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क है, काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है, ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है वहां पर, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहां पर, और इट इज डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन इसको डिफाइन करता है। इन द सेम सेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी लेजिस्लेशन डिफाइन करती है, बट यहाँ पर जो डिग्री ऑफ जो आपका वो है, जो प्रोटेक्शन है या डिग्री ऑफ, काफी ज्यादा गाइस बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। एक तरह से उसमें नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, एक तरह से उसमें आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी सी, 1 और 3 होगा, सी जो इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको डिटेल में लिखा हुआ, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट है कि द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दैट नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन साइड ए नेशनल पार्क वेयर लिमिटेड एक्टिविटी आर परमिटेड विद इन द सेंचुरी, राइट। ये एक पार्ट है आपका इससे, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो बाउंड्री को डिसाइड करता है, मतलब नो मतलब जो भी एक बार बाउंड्री डिसाइड हो जाती है वो केवल और केवल लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट है, वो रेजुलेशन के द्वारा उसको वो करता है। तो ये पॉइंट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 पे। तो ये जो 18 क्वेश्चन है गाइस, ये 18 क्वेश्चन का जस्ट जवाब अभी मैंने दिया। क्वेश्चन है कि इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, ये क्वेश्चन है। तो जस्ट मैंने अभी आंसर दिया, विशाल भी यू आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा नेशनल, तो इसका आंसर नेशनल पार्क होगा, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया कि ज्यादा ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है।
यस यू आर राइट। वाई डैश सेंचुरी बताइए फटाफट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? यस यस यू आर राइट, ये गुजरात में लोकेटेड है। जो आपका रन ऑफ कच्छ है वहां पर लोकेटेड है, ये आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में। तो ये आपका काफी फेमस है, इस पे क्वेश्चंस पूछता है। ये पॉइंट है कि इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, इट इज आल्सो नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1972। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जवाब दीजिए। बी जिनको भी आप लोग कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। इससे आप लोग बदर मत होइए कि गलत हो रहा है, एटलीस्ट आप प्रयास तो कर रहे हैं, तो यू हैव टू गिव आंसर, थोड़ा सा आप लोग आंसर जरूर दीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें वेरिएशन देख रहा हूं, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया, कुछ लोगों ने सी दिया है, कुछ लोगों ने डी दिया है। मयूख बनर्जी हैं, वो काफी हद तक वो आंसर उन्होंने काफी हद तक सही दिया है कि आपका जो गोरुमारा वेस्ट बंगाल है, यस यू आर वेरी वेरी राइट, एंड काजीरंगा है आप असम है, वहां पर वन हॉर्न राइनोस विल फाइंड आउट। तो आंसर विल बी आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं, आपका वेस्ट बंगाल एंड असम। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने बता दिया, तो फिर मैं अब इस पे टाइम वो नहीं कर रहा हूं। जो सेंचुरी फेमस फॉर राइनोसोर है, तो काजीरंगा हो गया ये सेंचुरी है जहां पर है, गोरुमारा हो गया जो अभी आपका वेस्ट बंगाल में, तो ये फेमस है, ये उसी के साथ था। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स has the ideal habitat for the Siberian crane? देखो क्वेश्चन बहुत, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग सारे मतलब लेवल पे क्वेश्चन करें, साइबेरियन क्रेन के बारे में मालूम होगा। अच्छा, राजस्थान में अभी करंट में कुछ हुआ है, जो आपका सांभर लेक है ना, वहां पर बहुत सी जो स्पेसीज है, बर्ड स्पेसीज है, माइग्रेंट स्पेसीज है, वो आपका डेथ हो गई है। सांभर लेक जो आपका है राजस्थान पे, वहां पे डेथ हुई है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। उसका डेथ होने का रीजन है, कोई बैक्टीरिया है, वो डेथ होने का रीजन है। आप लोग जरूर उसके बारे में देखिएगा, जरूर देखिएगा, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है इस साल, जो खासकर बच्चे दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए। सांभर लेक्स पे वहां पर अभी न्यूज में आई है, करंट का न्यूज है कि वहां पर डेथ हुआ है। तो यस यू आर राइट, राजस्थान इसका आंसर होगा। जो केवलदेव नेशनल पार्क है, ये भारतपुर राजस्थान में आइडियल हैबिटेट है फॉर साइबेरियन क्रेन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपका रामसार साइट्स है उसमें है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपका दो ही है, उसमें आपका केवलदेव भी है आपका, और एक आपका है केवलदेव नेशनल पार्क, उसके एक और आपका है। वो लोग हमको फटाफट जवाब दीजिए कि कौन सा एक और है, कोई लेक है जो कि आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। यस यस यस, तो वो फटाफट वो लोग आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा माउंटेन। एक तो आपका केवलदेव हो गया, वो तो यहीं पर मैंने बता दिया, दूसरा कौन सा उसका लुकआउट दीजिए। एक चिलिका भी थी बट 2002 में उसको वहां से हटा दिया गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रामसार साइट्स जो होती हैं, उसके ऐसे
ऐसे जो कंजर्वेशन है ऐसे वेटलैंड्स को इंक्लूड करते हैं रामसार साइट्स में जो इंक्लूडेड होती हैं, बट इकोलॉजिकल कैरेक्टर जिनका इम्बैलेंस हो रहा है, इनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा हो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो चेंज हो रहा हो या तो चेंज होने वाला हो तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। दो है चिलिका यस एक्सक्लूडेड हो गया, एक यहां पर केवल देव, दूसरा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 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 विशाल यू आर वेरी वेरी करेक्ट। लोकटक लेक है जो आपका मणिपुर में है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपके दो ही इंडिया के राइट नाउ है, केवलदेव नेशनल पार्क है एंड सेकेंड इज लोकटक। यस वो केबुल जो लैमजो है जो आपका झूलता हुआ बोला जाता है वो इट इज ए पार्ट ऑफ दैट सेक्शन। ओके आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो रिलेटिवली। अगर आप लोगों ने एक तरह से बेसिक्स आप लोग जरूर अच्छा कर रहे हो। बांदीपुर है वो फेमस है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, आगे आएगा क्वेश्चन में। काजीरंगा है, काजीरंगा आपको मालूम होगा, काजीरंगा किस लिए फेमस है ये आपको मालूम है, वन एंड डायनासोर। सुंदरबन हुआ आपका, सुंदरबन हुआ आपका, ये आपका बायोस्फीयर भी है, टाइगर रिजर्व भी है आपका सुंदरबन। एंड सिमलीपाल, सिमलीपाल को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज एलिफेंट रिजर्व। तो द आंसर विल बी बी, आप लोगों ने काफी करेक्ट जवाब दिया, ये यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग एक कमेंट जरूर कर सकते हैं, आप लोग को मालूम, बाकी तो पता ही चल गया सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन भी पता ही है आपको, काजीरंगा मालूम ही है, बांदीपुर कहाँ पर ये जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। राइट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाइगर रिजर्व ऑफ सारिस्का है, ये कहां पर लोकेटेड है? बांदीपुर कर्नाटका में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। यस तो कुछ लोगों ने अभी सही जवाब दिया, बांदीपुर कर्नाटका में है। ओके विशाल बी, आदित्य ए, वरुण बी, राजस्थान बांदीपुर कर्नाटका में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। अच्छा इसका सारिस्का का, यस 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 इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसका आंसर होगा राजस्थान। जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है इट इज लोकेटेड इन द राजस्थान। यस आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा इंफॉर्मेशन है, यू कैन सी इट, सारिस्का टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क है, पहले ये आपका ये अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप अगर दिल्ली में आए तो दिल्ली से सटा हुआ आपका राजस्थान, वहां का जो बॉर्डर एक तरह से डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1955 और बाद में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, इट वाज अ टाइगर रिजर्व इन 1978। अब इस पर आ जाइए, सलीम अली नेशनल पार्क वेयर इज इट लोकेटेड? यस आदित्य यू आर वेरी करेक्ट, कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते चलें। क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल भी अलग अलग मिलेंगे आपको। तो आ,
यस विशाल, यस मयूर, यस जशन, यस बी 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 बी, यस आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। इसका आंसर बी होगा, नहीं गोवा नहीं है, इसका आंसर बी ही होगा, राइट। जम्मू एंड कश्मीर, ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर आपका सलीम अली नेशनल पार्क लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। द पार्क अर्लियर नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बाद में ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, नेचुरलिस्ट, उनके नाम पे इसका नाम चेंज होकर के सलीम अली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, राइट। यस मैं सलीम अली जो नेशनल पार्क है उसकी बात कर रहा हूं, आप लोग वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ उस पे कंफ्यूजन ना हो। जो नेशनल पार्क है ये आपका श्रीनगर में लोकेटेड है, नेचुरलिस्ट सलीम अली है वहां उनके नाम पे। ये क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो यूपीएससी जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, अब आपके जो सिंगल वन वन क्वेश्चंस थे, सारे सिंगल टाइप के जो क्वेश्चन थे, एक एक ऑप्शन वाले, उन्हीं से देखो मिला करके ये क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है। अब अगर आपको पता है, अगर उस क्वेश्चंस को आपने जो बेसिक वाले किए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आसान पड़ जाता है, और ये क्वेश्चन आपका आईएसपी 2012 टर्म का क्वेश्चन है। यस पारुल, यस मयूर, यू आर राइट। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, 26 का बी, ओके। एनी अदर वन? विशाल बी, मयूख डी, ओके। ओके फटाफट कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछा था आपसे अभिषेक 1 2 3 4, अच्छा अभिषेक डी, आदित्य बी, ओके। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको मालूम है, मानस नेशनल पार्क अभी बताया ही है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व अभी डिस्कस किया है। भीतनकनिका बेसिकली क्या है कि ये आपका ओलिव, आपका रिडले टर्टल है, उसके लिए ये फेमस है, वहां उसके लिए फेमस है ये आपका टाइगर रिजर्व के लिए फेमस नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन में, अगर इवन आपको जो जो पता है, आपको मालूम है कि बांदीपुर फॉर श्योर शॉट ये आपका लोकेटेड है, ये टाइगर रिजर्व है, ये आपको मालूम है, मानस अभी डिस्कस किए थे, और ने सुंदरबन भी बात किए, भी डिस्कस किए, तो पता है, तो ये आंसर आप दे सकते थे। भीतनकनिका का भी अभी क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, तो इसका अबाउट होगा, इसका आंसर होगा बी, राइट। अभी उस पर भी आ गया भीतनकनिका, वो आपका जो नेस्टिंग है वो उन सबको देखेंगे, जो गुहर मांडा वगैरह उन सबको। नाउ कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मिजोरम? यस उड़ीसा, यू आर राइट, वो कोस्टल रीजन पे है। ओके सी बी सी बी सी, वेरिएशन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। एनी अदर वन? सी 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 सी, मयूख सी सी, ओके। तो जिन्होंने ये आंसर दिया डम्फा, दैट इज करेक्ट। डम्फा आपका जो टाइगर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड इन द मिजोरम, राइट। बाकी अभी इनके भी आएंगे डिटेल में, ये कहाँ पर है, जैसे बक्सा कहाँ पर है, और ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ पर है, भद्रा। आप अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा, अभी के लिए आप लोग जान लो कि जो डम्फा टाइगर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड इन द मिजोरम। यस यू आर राइट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स लाइज इन टू स्टेट, इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि दो स्टेट में लाई करता है।
अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। यस मयूर, 28 सी, आशा बी, विशाल सी, वरुण सी। ओके काफी लोग सी आंसर दे रहे हैं, काफी लोग सी आंसर दे रहे हैं। तो अच्छा आप लोग इस पे ये भी कमेंट कर दीजिए, जो पेंच बता रहे हैं, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, आप लोग ये भी थोड़ा डिस्क बता दीजिए कि कौन से दो स्टेट हैं। एनीवन कैन टेल, बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, जो आपका एमपी है, यस यू आर राइट, एमपी और महाराष्ट्र, एमपी एंड महाराष्ट्र, उनपे ये पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व लाई करता है। कुछ इसका पार्ट है जो आपका एमपी में है, कुछ इसका पार्ट है जो आपका महाराष्ट्र तक ये स्ट्रेच है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। बाकी लोकेशन मालूम है, अभी हम लोग सारिस्का भी डिस्कस किया, मानस भी डिस्कस किया, अभी कान्हा भी रह गया, कान्हा भी अभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये एमपी में इसका 90% है और महाराष्ट्र में इसका 10% है। तो मेजर पार्ट की बात कर ले, तो मेजर पार्ट आपका गाइस कहां पे है, मेजर पार्ट आपका है एमपी में। नाउ कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे है, बाघ से मिलाकर भी ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कान्हा भी दिख जाएगा। यस 29, ओके 29 ए, विशाल ए, ऋत्विक बी, अभिषेक ए, शाम्भू ए, गणेश बी। ए ए यस, तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, 29 का ए होगा, जो डोजिंगम नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जो आपका केएल देव घाना बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपका यहाँ पर है राजस्थान। जो कान्हा है, ये आपका एमपी में, और पेरियार को भी हम लोग डिस्कस किया था, दैट इज पार्ट ऑफ केरला। तो यस यू आर राइट, मतलब काफी लोगों ने इसका क्वेश्चन सही जवाब दिया, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोजिंगम नेशनल पार्क अभी जस्ट बताया, वो आप फटाफट बताइए कि ये किस किससे एसोसिएटेड है। ओके डी 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 डी, यस यस यस, चलो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, इसका आंसर डी होगा, जो आपका हैंगोल कश्मीरी स्टैग है। ये आपको एक तरह से ये रेयर स्पीसीज भी है, राइट, ये रेयर स्पीसीज है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है,
कि रेयर स्पीसीज है। तो ये डचिंगम नेशनल पार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में है, नियर श्रीनगर, और इट इज फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग आल्सो नोन एज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यू आर राइट। तो ये आपका डचिंगम की बात कर लिया, तो डचिंगम आपको मालूम है, अभी जस्ट डिस्कस किया जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक नहीं डिस्कस किए थे पापिकोंडा, दैट इज लोकेटेड इन आंध्रा, सारिस्का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया राजस्थान, और बांदीपुर भी हम लोग डिस्कस किया था कर्नाटका। तो इसमें आप देख लीजिए, तो आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक आंसर विल बी बी। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आंसर सी होगा, इसको लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में है, कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है उत्तराखंड में है, बांदीपुरा नेशनल पार्क है ये आपका कर्नाटका, और संजय नेशनल पार्क है ये आपका एमपी में है। तो गाइज ये पोर्शन है, फटाफट आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। Now come to our next question. क्वेश्चन पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ बायोडायवर्सिटी। इसको 1-2 के फॉर्म में करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइड में मैंने 1 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी बी सी ए बी, ओके अलग अलग आंसर है। तो देखो गाइस बताता हूं, जो अभी केबुल लैम्जो नेशनल पार्क है इसको झूलता हुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। इसको झूलता हुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है, केबुल लैम्जो नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, और ये मेनली क्या होता है कि जो फोमडीज है, आई थिंक स्पेलिंग गलत लिखा है, फुंडीज है, वहां ये एक बायोमास होता है जो कि फ्लोट करता है वहां पे, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केबुल लैम्जो नेशनल पार्क। कम टू अनदर पॉइंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यस यू आर राइट मयूर, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। काफी लोगों ने ए आंसर दिया है, बट मयूर और अपर्णा ने बी दिया है, यस यू आर करेक्ट, जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है दैट इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश में, पूरा डिटेल यहाँ पर है,
कि ये जो कुल्लू मनाली आप लोगों ने सुना होगा, मनाली जो काफी फेमस है हिल स्टेशन, तो कुल्लू और मनाली में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। ये 1984 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर ये सिर्फ डिफरेंट पार्ट है, ये सारी चीजें है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये नेचुरल साइट्स है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको 38th जो कमेटी थी वहां पर इसको 2014 में इसको दर्जा मिला आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ओके, आई विल ट्राई टू लिटिल फास्ट। नाउ कम टू अ लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। फटाफट जल्दी से कंप्लीट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग इज द लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। एरिया के टर्म में पूछा है कि सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है जो कि मैप प्रोग्राम के तहत इसमें इंक्लूडेड है, राइट? ओके, सी बी बी, ओके, एनी अदर वन? गल्फ ऑफ मन्नार, यस आदित्य, यू आर वेरी करेक्ट। आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, गल्फ ऑफ मन्नार। देखो जो पॉइंट क्या है यहां पर कि जितने भी दिए हुए थे उसमें बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार है, अगर लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो रन ऑफ कच्छ है जिसका एरिया टोटल 12,000 समथिंग है। सेकेंड नंबर पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार आता है, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ जो यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड है उसमें आपका गल्फ ऑफ मन्नार आता है। ओवरऑल जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें आपका ये आपका पूरा का पूरा रन ऑफ कच्छ आ जाता है। नाउ कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए फटाफट, फोर्थ क्वेश्चन। ये लोकटक है, ये स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखा हुआ है, ये लोकटक है। अच्छा, ये दो फॉर्म है, लोकटक एंड लोकटक लेक, ये गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, इसको सही कर लीजिएगा। लोकटक लेक आप जानते होंगे तो कहाँ पे क्या लोकेटेड है। ओके, मेनी ऑफ यू आर गिविंग आंसर सी, विशाल सी, वरुण सी, मयूक, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सी। अच्छा, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, चलिए इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। जो आपका नॉकरेक नेशनल पार्क है इट इज लोकेटेड इन द गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, राइट? लोकटक लेक है इट इज लोकेटेड इन मणिपुर, और जो नांडफा नेशनल पार्क है इट इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हॉट स्पॉट एंड लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप अगर यहां पर जाए बैरल रेंज की बात करें गाइस, ठीक है, अगर हम बैरल रेंज की बात करें तो इसका जो मेजर पार्ट है गाइस वो आपका असम रीजन में आता है, इसका असम रीजन में आता है। जो लोकटक लेक है वो आपका बैरल रेंज पे नहीं है, तो दूसरा तो आपको पहले से ही गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर वन हुआ। नॉकरेक आप लोगों को आई थिंक सब लोग कंफर्म होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो करी सही था कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन द गारो हिल्स, बट लोकटक आपका बैरल रेंज के बारे में थोड़ी सी ज्योग्राफी पता होता तो करते, और नांडफा, हाँ नांडफा की जरूर बात कर रहे हैं बट वो डाफला हिल्स पे नहीं है,
ये सही है कि आपका जो नानडफा है ये एक तरह से अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, बट इट इज नॉट लोकेटेड है, बट उसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपको नानडफा नब एग्जाम में पता होता, आपको सिर्फ इतना पता होता कि नौकरे का एग्जैक्ट लोकेशन पता होता और लोकटक मालूम होता कि मणिपुर में और बैरनलैंड्स असम में, तो देन यू कैन करेक्ट द आंसर। ये क्वेश्चन था यूपीएससी का, थोड़े मिक्स करके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएससी में। ये आप ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि ये आपका जो बायोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया है, तो उसमें कोल डेजर्ट बताना है कि आपको ये कहाँ पे लोकेटेड है। इससे इस ढंग से आप आंसर दे सकते हो फिफ्थ का। कोल डेजर्ट लाइज इन इंडिया में दो ही तो डिजर्ट है गाइस, एक है आपका मेन जो, एक आपका थार डिजर्ट है जो कि आपका हार्ड डिजर्ट है, राइट। जो कि आपका हार्ड डिजर्ट है वो आपका राजस्थान में, राजस्थान के लोकेशन पे यहाँ पे लोकेटेड है। और एक आपका कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट मतलब समझ ही रहे होंगे कि कोल्ड है, तो वो डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। आप लोगों ने आई थिंक थ्री इडियट्स देखी होगी, तो कुछ हद तक आप लोगों को आइडिया लगेगा। अगर थ्री इडियट्स देखी होती, थोड़ा उसकी जांच पड़ताल करते थ्री इडियट्स की, तो थोड़ा आइडिया मिलता कि कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे लाई करता है। तो चलो इसको फटाफट, इसका आंसर बी है, हिमाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ का बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिक्स क्वेश्चन, इसको फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी। ये जो है वेल नोन फॉर, ये जो क्रोकोडाइल है ये गाइस यहाँ पे है, बेसिकली ये यहाँ पे है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। चलिए, इसमें अलग अलग आपने आंसर दिया है, दो तो आपको पता ही होगा, जो ब्रिटेन कनिका उड़ीसा है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, साथ में आपका जो ओलिव जो रिडले टर्टल है उसकी भी बात होती है। जो राजस्थान का डिजर्ट नेशनल पार्क है वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के लिए फेमस है, बट जो आपका इरेविकुलम पार्क है, जो हम इरेविकुलम की बात करते हैं, वहां पर ये जो हमने बात किया इस दो स्पीशीज को, हुलॉक गिबन की, ये जो गिबन है हुलॉक गिबन, ये बेसिकली असम में, इट इज फाउंड इन द असम और मेनली इन द आपका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया में मेनली आपका असम रीजन में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गाइस आप लोग याद रखना कि ये जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर डिजर्ट नेशनल पार्क है, वहां पर ये देखा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो बेटरकनिका नेशनल पार्क है एक तरह से इनडेंजर्ड जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसके लिए काफी ज्यादा ये फेमस है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इस पे आते हैं। जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है इसके बारे में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग फटाफट। ओके, चलिए, यू आर राइट, इसका आंसर डी होगा। जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये आपका डी, यहाँ पर लोग अगर थोड़ा सा स्पेसिस पढ़े होते हैं तो क्लियर करते कि जो नेचुरल हैबिटेट था, जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दिया है जो कॉमन और रेयर दी है, तो वो इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट।
तो ग्रेट इंडियन हार्नबिल है, फाउंड इन नेपाल, भूटान, चाइना एंड इंडोनेशिया। इंडिया में ये आपका वेस्टर्न घाट पर ये फाइंड आउट है। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके यस, ये जो आपका क्वेश्चन आया था गाइस, बेसिकली जो घड़ियाल को देख के क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका जो चंबल रिवर है, अगर आप लोग कभी कोटा जाइए तो आपको चंबल रिवर जरूर दिखेगा, तो वहां पर आपका ये उसका हैबिटेट है, आपका जो घड़ियाल है। चंबल रिवर इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, द साइंटिफिक नेम दिस। एक चंबल रिवर है, गिरवा रिवर है, वहां पर आपका घड़ियाल मिलता है। घड़ियाल आपका क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज है, ये आपको पता होना चाहिए, घड़ियाल आपका क्रिटिकली इनडेंजर्ड स्पीसीज है। फटाफट आते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट बटरफ्लाई फ्लाई पार्क कहां पे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में? ये चूंकि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां से इसको पिकअप कर लिया है। ओके नाज डी, शंभु ए, मयूक ए, आदित्य डी, सी, आशा ए। ओके सो हम लोग देख लेते हैं फटाफट टाइम वो करके। देखो, इंडिया से फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इज बनरघट्टा नेशनल पार्क एंड इट इज लोकेटेड नियर द बेंगलुरु कर्नाटका। इट वाज फाउंडेड इन 1920 एंड डिसाइडेड एट नेशनल पार्क इन 1974। कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों को पता है, बट वो कौन सी रिवर है जो इसके पास से, जहां से उसको वाटर मिलता है? प्लीज रिप्लाई। यस सुना, यस यू आर राइट, ए। अच्छा ओके, विशाल 10 का बी, बी एनी अदर वन, रुपेश डी, मयू सी। एक तो क्लियर ही है आप लोगों को कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये तो सबको क्लियर है। अगर इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें ओल्डेस्ट, वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। यस, तो इसका आंसर होगा रामगंगा। कार्बेट नेशनल पार्क गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर रामगंगा। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिवर मैच कराने को दे सकते हैं, तो वो केवल एक राम कार्बेट देंगे एक साइड में और मैचिंग में रिवर का नाम लिख देंगे और बोल देंगे कि, और एक एक दो और नीचे दे देंगे और बोल देंगे इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एटलीस्ट जो कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जो आपका फेमस है, यू हैव टू नो द आंसर। 11th पे आ जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज दैट वेरीज फ्रॉम, वहां पे सारी कंडीशन है आपको, ट्रॉपिकल कंडीशन भी है, टू सब ट्रॉपिकल कंडीशन भी है, आपको एल्पाइन कंडीशन भी है, मतलब आपका
जो ट्रॉपिकल कंडीशन, सब ट्रॉपिकल कंडीशन पे जो सारी स्पेसीज मिलती हैं, उससे लेकर के आपका जैसे जैसे ऊपर में जाएंगे वो सारी स्पेसीज यहाँ पे मिलेगी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क। कंचनजंगा आप लोगों को मालूम है कहाँ पे होगा नेशनल पार्क? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, नंदा देवी पता ही है। न्योर वैली नेशनल पार्क, इस पे आप लोग कमेंट कीजिए, और नांडफा नेशनल पार्क, ये भी मालूम है। तो चलिए, तो काफी लोगों ने ए ए इसका आंसर दिया है, काफी लोगों ने ए आंसर दिया है। तो गाइस इसका आंसर एक्चुअली है नांडफा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है आप बताइए? कंचनजंगा आपका नेशनल पार्क जिस लोकेशन पे है, सिक्किम की बात कर लें, तो गाइस वहां पर जो टेम्परेचर होगा वहां पे क्या सारे कंडीशंस मिलेंगे? नहीं, सारे कंडीशन नहीं मिलेंगे। नंदा देवी की बात करें, उत्तराखंड रीजन में है, तो आपको क्या ट्रॉपिकल वाली कंडीशन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ट्रॉपिकल वाली। जो नेवरा वैली है ये आपका वेस्ट बंगाल रीजन में है, तो क्या वहां पे मिल पाएगी? नहीं। हाँ, नांडफा ऐसा क्या आएगी और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जो हिल्स की जो वहां की जो कंडीशन देखोगे ना, वहां पे ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट से लेके आर्कटिक तक का वो मिलता है। आपको ये जो क्वेश्चन गाइस करना था, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली उससे करना था जो कि आपका क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना था, तो इसलिए इसका आंसर नांडफा होगा। आपको एलिमिनेट करना है, अगर आपको ये लोकेशन पता है, पहले पहली चीज क्या हुई इस क्वेश्चन में, पहली चीज में ये हुई कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप वैसे ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं मेन मेन उनके लोकेशंस मालूम हो। अब जो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आता है, फटाफट दूसरे आप आ जाते हैं। ये अभी मैंने पूछा था आप लोगों से बक्सा टाइगर रिजर्व, तो इस पर आ जाते हैं। किसी ने आई थिंक इसका रिप्लाई भी किया था, तो फटाफट इसका हम जवाब दे देते हैं। ओके, कोई नहीं सुना, डोंट वरी, आप क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन सीख रहे हैं। ओके, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का आंसर डी, यस इसका आंसर डी है। मोस्ट ऑफ यू आर गिवन करेक्ट आंसर, जो वेस्ट बंगाल है वहां पर आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये आपका करेक्ट आंसर है, वेस्ट बंगाल। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए एटलीस्ट। यस, आप लोग लोकेशन से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, जैसे डम्फा टाइगर रिजर्व है, आप खुद ही सोचिए कि डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, उससे अभी जस्ट मैंने बताया था, उससे आप आइडिया ले सकते हैं। फिर ऑप्शन पे जाइए, अगर डम्फा टाइगर रिजर्व अगर गंगा अगर उससे कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस हिसाब से उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आपका जैसे गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। और फिर आपका सारामती पीक है जो कि
ये यहाँ पर ऑप्शन में शायद आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन सही दिया, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में था वो गड़बड़ है, इसको हम देख लेते हैं। जो डामफा आपका टाइगर रिजर्व है, इट वाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मिजोरम है, ये आप इसको कट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी त्रिपुरा में लोकेटेड है। और आपका सारामती है, इट ए पीक राइजिंग एट द माउंटेन्स ऑफ नागालैंड स्टेट्स, और बर्मा का पार्क है। तो इसमें आंसर डी होगा, इसमें नन ऑफ दीज आंसर होगा, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको फटाफट कर दीजिए कि फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया विद कोरल रीफ्स, मॉरिशस डॉल्फिन, टॉर्टाइज एंड वेरियस काइंड ऑफ सी बर्ड्स विद इन इट्स बाउंड। वो मैरिन सेंचुरी है जहां पर ये सारी चीजें मिलती है। हाँ BDA मोस्ट ऑफ गिवन आंसर, ओके। नाज ने सी आंसर दिया है, रुचि ने डी दिया है, विशाल ने सी दिया है, रश्मि ने डी दिया है, पोर्शिया डी दिया है। इसको देख लेते हैं, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे देख लेंगे। जो गल्फ ऑफ कच्छ रीजन है, दैट इज ए करेक्ट आंसर, 14 का सी होगा। और यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी मैरीन सेंचुरी है, तो जब मैरीन सेंचुरी है तो गल्फ ऑफ कच्छ में अभी हम लोगों ने कोरल रीफ्स पढ़ा ही था, उसके अलावा फिर आपके ये सारी चीजें भी वहां पर मिलती है। डिटेल्स यहाँ पे नहीं हो डिस्कस करेंगे गाइस, दीज आर द फर्स्ट स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप था जो आज मैंने हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज किया, कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, आगे चल के उन एडवांस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पर एटलीस्ट ये फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था फर्स्ट लेवल का, जिससे कि आप लोगों को कम से कम बेसिक्स पता हो कहाँ पे कौन सी लोकेटेड है, ये सारी चीजें एक्सरसाइज के थ्रू। फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चन है उसको भी लेकर के आएंगे गाइस, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो भी एक्सरसाइज थी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ये कोड है GS10, GS10 कोड, ये आप लोग जरूर यूज कीजिए। आप लोगों को जुड़िए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से, वहां UPSC कोड लीजिए, और आप लोग फिर, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ये कुछ दिन का नहीं है, पूरे ईयर वाइज प्रिपरेशन है, तो दैट विल बी गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल। और आप लोग प्लीज प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और इसका एडवांस वर्जन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आगे जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी अभी कल से फिर अपना ये सेशन कंटिन्यू रहेगा एनवायरमेंट का, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस थी। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इस पे एक और क्लास लेंगे, डोंट वरी, इस पे हम एक क्लास लेंगे, यस। क्योंकि अभी मैंने क्या किया ना, देखो अगर डायरेक्ट बिल्कुल उस लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ बता देता, डायरेक्ट उस लेवल का क्वेश्चन, तो हो सकता है थोड़े से कुछ स्टूडेंट के लिए दिक्कत ज्यादा हो जाती। तो मैंने क्या किया कि पहले बेसिक सारा हो गया, इससे कुछ आपके टफ क्वेश्चन भी कर लेंगे। यस सोना, आई एम थैंकफुल दैट यू फील राइट, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ गुड नाइट।